السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. शेख मेरे मामू असल में एक अपने खुद की जमीन पे घर बनवाना चाह रहे हैं शेख, और जी वो जी उस वक्त तक हमारे घर में भाड़े में रहना चाहते हैं। जी तो जी शेख, वो हमारे घर में आकर कुछ वो कुछ करना चाहते हैं शेख, जैसे दूध उबलाना, जैसे नए घर में आने की उनकी ऐसे कुछ चीजें हैं शेख जो करना चाहते हैं। और वो पूछ रहे हैं कि वहां पर कौन से सूरा पढ़ने चाहिए, कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए घर में आने से पहले, और वहां पर जहाँ घर बनवा रहे हैं, जो बुनियाद डालते हैं घर की, तो वहां पर कुछ पहले का पढ़ना या नमाज पढ़ना ऐसा कुछ सही है क्या, वो पूछ रहे हैं। तो इस पर क्या जवाब दूं शेख उनको मैं? जैसा आप उनको बताइए कि नया घर बनवाने के लिए कोई खास इबादत नहीं है, कोई खास नमाज नहीं है, कोई खास तिलावत नहीं है, कोई खास प्रोग्राम नहीं है। आप काम बिस्मिल्लाह करके नया घर बनवाना शुरू कर दीजिए। कोई खास किस्म की नमाज पढ़ना या वहां पे खसूसी तौर से तिलावत का एहतमाम करना, इन सब चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है शरीयत से। ये सब चीजें बिदात हैं। आप घर बनवाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करके घर बनवाना शुरू कीजिए, और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक जी 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 शेख, जो हमारे घर में भाड़े के लिए आ रहे हैं, वो थोड़े मतलब घर खत्म होने तक, तो वो कुछ घर में ऐसा कुछ करना चाहते हैं शेख, दूध उबलाना है, ऐसा वो मानते हैं कि घर में एंटर होने से पहले करना चाहिए। तो ये उनका कहना शिर्क शिर्क में आएगा क्या, जैसा क्योंकि ये हिंदूज का कल्चर है? देखिए, अगर ये शिर्क नहीं है तो ये कम से कम बिदात है। अब मुझे नहीं मालूम उनका अकीदा क्या है, जब उस अकीदे को मैं सुन पाऊंगा तो बता पाऊंगा कि शिर्क है कि नहीं, लेकिन बिदात तो कम से कम है ये। जी तो उनको समझाइए कि हमारी शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें खुराफात हैं और गैरों से आई हुई हैं, ऐसा कुछ कीजिए। जी शेख, जो जी शेख, तो घर में आने से पहले भी कुछ नहीं पढ़ना है ना शेख? मैंने कुछ खास भाई, घर में दाखिल होने की जो दुआ है वो पढ़ना है, बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना व अलल्लाह रब्बिना तवक्कलना। जी जी बेहतर है शेख, जजाकल्लाह खैर शेख, अस्सलाम वालेकुम। ये बिस्मिल्लाह वलजना वाली रिवायत सही है शेख? जी, बहुत सारे लोगों ने इसे काबिल एहतजाज बताया है, और बल्कि एक रिवायत और है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब आदमी घर में दाखिल होता है उसमें ये मुकम्मल जो दुआ मैंने अभी बताया, ये मुकम्मल दुआ नहीं, उसमें ये है कि जब आदमी घर में दाखिल होता है बिस्मिल्लाह करके, तो फिर शैतान कहते हैं कि अब इस घर में से निकल जाओ, इसमें हमारा गुजारा नहीं है। तो बिस्मिल्लाह का जिक्र तो दूसरी रिवायत के अंदर भी है, तो खाली बिस्मिल्लाह तो दूसरी रिवायत के अंदर भी आया है, लेकिन एक रिवायत जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिस दुआ का, एक रिवायत में ये भी वारिद है, और बहुत सारे लोगों ने इसे काबिले एहतजाज माना है। जी जी जजाकल्लाह खैर।